Hey, what's up guys, it's me your host Rio and let's begin with another video. आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेंटन वॉच पे कि कैसे किसी वॉच की मदद से डिफरेंट टाइप्स के एलियंस हम लोग बन सकते हैं और उनकी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर का है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रियल लाइफ, जैसे कि तुम लोग जानते होगी कि जो एलियंस होते वो रियल लाइफ में नहीं होते, वो एग्जिस्ट नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में कोई एलियन आके बोला नहीं है कि भाई हम लोग भी रियल लाइफ में है और हम लोग एलियन से हैं। तो ऐसा 100% कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, तो इसकी वजह से रियल लाइफ में एलियंस नहीं है हम लोग मानेंगे। तो फिर ये तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है कि यार बेंटन की जो वॉच है उसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो बेंटन की वॉच है वो हमें एलियंस की पावर्स देती है। तो इसलिए हम लोग एलियंस की जगह एनिमल्स का एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे किसी एनिमल की एबिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ड्यूड फ्यूचर में मे बी एलियंस आते हैं तो हम लोग उनकी पावर्स भी कर पाएंगे, लेकिन हम लोग फिलहाल में एग्जाम्पल एनिमल्स का लेंगे क्योंकि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दो रास्ते आते हैं। एक आता है कि हम लोग सेम टू सेम बेंटन वॉच जैसा बनाए, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में हम लोग किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, पर ये रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है क्योंकि जो गॉड है वो सबको एक बॉडी देता है। एनिमल्स को अलग बॉडी है और ह्यूमंस को अलग बॉडी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ सेकेंड्स में या फिर कुछ घंटों में हम लोग किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि डूड ये सेल्स के साथ छेड़छाड़ रहेगी, मतलब बॉडी के साथ पूरी छेड़छाड़, और इसमें जान भी जा सकती है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। पर जो दूसरा रास्ता निकल के आता है वो ये है कि हम लोग ऐसे कुछ गैजेट्स क्रिएट करें जिसके अंदर एनिमल्स की एबिलिटी हो, उन गैजेट्स की मदद से हम लोग किसी भी एनिमल की एबिलिटी इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जाम्पल चीता की, तो फिर हम लोग बहुत तेज भाग पाएंगे। ईगल का, तो हम लोग अच्छे से उड़ सकते हैं, मतलब ईगल के जैसा आसमान में उड़ना। मंकी जैसा हम लोग यहाँ से वहाँ जंप करके जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, स्नेक है भाई, डूड बहुत सारे कुछ ऐसे गैजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा सा ऐसे कर सकते हैं कि एक सूट क्रिएट कर ले। देखो यार डूड, मैं आयरन मैन की सूट की बात नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा जिसके अंदर एनिमल्स की एबिलिटी तुम्हें मिलेगी। आजकल बहुत सारे वेपन्स के नाम भी एनिमल से रिलेटेड रहते हैं, स्नेक वेपन, कोबरा वेपन, ऐसे रहते हैं। तो ऐसे फ्यूचर में हो सकता है कि क्लब्स आ जाए जिसके अंदर तुम्हें इस एनिमल की एबिलिटी देखने को मिलेगी। और डोरीमोन में भी ऐसे बहुत सारे गैजेट्स देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से तुम लोग एनिमल्स की एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एक ही गैजेट के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज देखने को मिल जाए जिसकी मदद से हम लोग एनिमल्स की पावर इस्तेमाल कर सके। और फिलहाल में देखा जाता है ऐसे बहुत सारे एनिमल्स की एबिलिटी हम लोग गैजेट्स की मदद से पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन पैसे लगेंगे डूड। तो मेरी थॉट यही है, तुम्हारी इसके ऊपर राय क्या एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मैं बनाऊँ। तो चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।